नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सीहोर देहात जोन के पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली सोमवार को सीहोर जिले के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, एएसपी समीर यादव, समस्त एसडीओपी थाना प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था संबंधी बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद महानिरीक्षक ने पत्रकारों से भी चर्चा की। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान आमजन कैसे सुरक्षित रहे, इसके बेहतर प्रयास की बात भी की। इस दौरान एक महिला मदद की गुहार लगाती दिखी, जिस पर महानिरीक्षक ने तत्काल उक्त महिला की समस्या पर ध्यान देने सीहोर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया। ये औपचारिक एक मुलाकात है, ये हम लोग जो है एक बार एक दूसरे से मुलाकात कर लें, फर्स्ट टाइम इसलिए आए थे। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपने, जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं पुलिस मुख्यालय के, और इन जनरल कोविड को रिलेट से संबंधित जो भी प्रायोरिटी इश्यूज हैं, जो अभी डीजीपी सर ने जिसके लिए संदर्भ में वीसी भी दी थी, उसी संदर्भ में जो है सब लोगों से एक बार प्रारंभिक रूप से बातचीत हुई है। प्रयास ये रहेगा कि बेहतर टीम के रूप में सब लोग काम करें, और कोविड के परिदृश्य में है कि किसी भी तरह से खुद सुरक्षित रहेंगे तभी हम जो है बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे और बेहतर तरह से पब्लिक सर्विस कर पाएंगे। सर, कोविड तेजी से केस बढ़ रहे हैं, क्या संभावना है कि सीमाएं ब्लॉक हुई, क्या तैयारी रहेगी पुलिस की? नहीं, अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग की हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक तो प्रशासन के साथ जो है बेहतर समन्वय रहे, और कोशिश ये रहे कि हम जो एज एंड वेन जो भी दिशा निर्देश, स्टेट गाइडलाइंस जो भी इशू होती है उसको बेहतर तरह से इंप्लीमेंट करा पाएँ, अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएँ, उनके परिजन सुरक्षित रह पाएँ, और कोशिश ये रहे कि एज एंड वेन जैसी भी रिक्वायरमेंट हो हम लोग जो है बेहतर व्यवस्था लागू कराने में अपना पूरा योगदान दे पाए। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।